मेरे लिए वाकई बड़ी खुशी का मौका है कि मेरे बेटे की फिल्म रिलीज़ हो रही है मेन लीड में, और उसने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा रोल निभाया है और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। बस अब तो यही दुआ है कि भगवान करे पिक्चर अच्छे से रिलीज़ हो के हिट हो जाए, लोगों को पसंद आए उसका काम, और एक बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती कि बेटा आगे बढ़े, ज़िंदगी में अपना नाम कमाए, अपना फ्यूचर सेट करे और लोगों का एंटरटेनमेंट करे। मैं एक परफॉर्मर होने के नाते यही दुआ करता हूँ कि जैसे मैंने आज 48 साल से लोगों की सेवा की है, उन्हें एंटरटेन किया है, उन्हें हंसाने की कोशिश की है, उसी तरह मेरे बच्चे लोगों को एंटरटेन करें, मेरा बेटा लोगों को एंटरटेन करे और नाम कमाए। सर, अपने जमाने के चार्ली चैपलिन कहे जाते थे। उन दिनों दूरदर्शन का टाइम था, घर घर में टीवी होते थे, 15-20 घरों में एक टीवी होता था कि पेंटल घर घर के हीरो थे। जी उस हाँ, दौर एक में याद हाँ आता है कभी अपने बेटे को देखकर, आज काफी दिनों के बाद आप छोटे पर्दे बीच में आ गए थे, फिल्मों में दोबारा आ रहे हैं, तो कितना आपको प्राउड लग रहा है आज बेटे के साथ आना और फिल्मों में एंट्री? बहुत अच्छा लग रहा है, और फिल्मों से मैं कभी गया नहीं था। हाँ, ये था कि कम हो गया था काम, तो इसलिए छोटे पर्दे पर भी आता रहा, लेकिन एक कलाकार को अच्छे रोल छोटे पर्दे पे मिले या बड़े पर्दे में मिले, उसके लिए वही बहुत ज़रूरी है, उसकी सेटिस्फेक्शन है। लेकिन आज एक इतनी अच्छी फिल्म, इतना अच्छा सब्जेक्ट, और वो भी अपने बेटे के साथ करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बस एक यूँ समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि हर दिन मेरा दिवाली हो रहा है। सर, तरन तारण से आया हुआ एक लड़का, पंजाबी लड़का, दिल्ली दिल्ली से यहाँ, और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, दोनों भाइयों ने अलग पहचान है महाभारत से, सिकंडी भाई की पहचान अलग है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि पेंटल एक कॉमिक स्टार्ट कर, आज जो बड़े बड़े रियलिटी शो चल रहे हैं, कॉमिक की शुरुआत करने वाले आप ही हैं बॉलीवुड में, मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कॉमेडी की शुरुआत की थी। हाँ, ये है कि कॉमेडी में अपना एक अलग स्टाइल लाने की वजह से लोगों को पसंद आया, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद आई लोगों को। और बाकी जहाँ तक बात है कि पेंटल ने शिखंडी और शकुनी के रोल किए महाभारत में और बाकी एंटरटेनमेंट किया, तो वो एक ऊपर वाले की कृपा है कि हमें ये टैलेंट बख्शा कि हम सबकी सेवा कर सकें, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। और मैं तो ज़िंदगी को डे टू डे लेता हूँ, आज का दिन अच्छा गुजर गया, अब कल के दिन की तैयारी, तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, आगे ही देखता हूँ, और भगवान करेगा इसी तरह हम पूरी शिद्दत से, पूरी सिंसेरिटी से आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। सर 40 साल पहले वाला, 40-50 साल पहले, आज भी वही पेंटल जो टीवी पर्दे में था वो याद सेम है, फिटनेस का कैसे आप ही मेंटेन करते हैं? ये फिटनेस का बेसिकली मैं आपको सच बताऊं तो ये है कि मुझे अपने काम से जो ऊर्जा मिलती है, जो मज़ा मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, वो काम की वजह से मिलती है, क्योंकि मेरे लिए मेरी काम मेरा काम मेरी तपस्या है, मेरी पूजा है, और वही मुझे शायद, जैसा आप कह रहे हैं, शायद मुझे इतना एनर्जेटिक और इतना फिट रखता है। सर, एक साथ शूटिंग में आना, बाप बेटे का कितना मजा है, आप लोगों क्या टिप्स दिए बेटे को आपने? वो अच्छा एक्टर है, और जहाँ तक टिप्स की बात है तो मेरा ख्याल है वो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, 10-12 फिल्में की हैं, अच्छे रोल किए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस की है, स्टेज किया है, सीरियल्स किए हैं, तो अभी उसको टिप्स की तो ज़रूरत नहीं। हाँ, ये है कि हम लोग आपस में दो एक्टरों की तरह अच्छी तरह मिल के अपनी टाइमिंग, अपने एक्शन रिएक्शंस को राइम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मज़ा आता है। एक सामने अच्छा एक्टर हो तो मुझे भी अच्छा लगता है और उसे भी आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, क्योंकि सामने और कुछ नहीं तो उसका बाप ही है एज एन एक्टर। किसी एकेडमी से आपने कोर्स किया और एक्टिंग सीखी, लेकिन उसकी एकेडमी आप हैं। लुक्स लाइक ऐसे लगता है कि उसने मेरे से ऑब्जर्व कर करके कुछ सीखा है। सर, हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे दौर में, उस दौर की बात करें, आज कहानी बदल चुकी है, हमें कहना नहीं चाहिए कि एक से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, कोई हम ये नहीं कहेंगे काम नहीं है, लेकिन स्टोरी बदल चुकी है, जैसे आपने बोला कि हमारे लिए काम नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, बहुत बॉलीवुड के लिए बहुत शर्म की बात है ये, एक इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टोरी है, मतलब चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसका? यही लाइफ है, यहाँ तो बेटा ऐसे ही चलता है, एक सर्टन टाइम के बाद हर एक का
टाइम कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज़ लाइफ. पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे दिल पे लगा के हार जाएं. मैं हारा नहीं हूँ. मैं काम जितना भी मिलता है उसे उसी सिंसेरिटी, उसी शिद्दत के साथ करता हूँ और मज़ा लेता हूँ और ज़िंदगी जीता हूँ. और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं सिंसियर हूँ और मेरा भगवान मेरे साथ है तो मुझे कभी काम की कमी नहीं होगी और मेरी ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी. आखिरी सांस तक आई वॉन्ट टू डाई ऑन द सेट. सर, ये फिल्मों का वाक्य स्टार्ट हुआ पहली बार मुंबई में जब एंट्री किया बॉलीवुड में, कौन सा दौर था, क्या था पहला वाक्य, क्या था पहली जो शुरुआत थी? शुरुआत ये थी कि 1969 में मैंने एंट्री ली थी, बम्बई आया था. और बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था कि तकदीर मेरी बड़ी तेज़ थी उस वक्त. एक्टर तो मैं जो भी था था. हम लोग पूरे जो पास आउट होके आए थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से 69 में, हम लोग अंधेरी स्टेशन पे मिलते थे और फिर वहाँ से इकट्ठे मिलके पांच छह यार दोस्त हम लोग कभी फेमस स्टूडियो जाते थे स्ट्रगल करने, कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे. तो एक दिन हम लोग रेलवे स्टेशन, अंधेरी रेलवे स्टेशन पे मिले तो सब ने कहा कि यार हमारे यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम्स लेने के लिए आत्माराम जी आए थे, गुरुदत्त जी के छोटे भाई, और वो पिक्चर प्लान कर रहे हैं न्यू कमर्स के साथ, तो हम लोग उन्हें मिलने चलते हैं. तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, मैं तो वहाँ फेमस स्टूडियो जाऊँगा, वहाँ एफ सी मेहरा साहब हैं, ये हैं, वो हैं, मैं वहाँ जाने वाला हूँ. तो वो लोग उतर गए, मैं गाड़ी में बैठा रहा और गाड़ी चल पड़ी. अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं चलती गाड़ी से कूद गया और मैंने कहा चलो मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ. तो यकीन मानिए वहाँ जाकर आत्मा जी से मिले, उन्होंने कहा हम तुम्हारा कल टेस्ट लेंगे क्योंकि ये डांस के ऊपर फिल्म है, तो जो डांस अच्छा करेगा हम उसको ले लेंगे. अगले दिन हमारा ऑडिशन हुआ, मैंने डांस किया. पहला लड़का जिसने डांस किया वो मैं था. और आत्मा जी को इतना पसंद आया कि मुझे उन्होंने अपने साथ कुर्सी मंगा के कुर्सी पे बिठाया और कहा कि अब तुम मेरी हेल्प करो आगे के स्टूडेंट्स को, एक्टरों को सेलेक्ट करने के लिए. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. और फिर मुझे आया कि सी मेरा वक्त अच्छा था जो उस वक्त मैं चलती गाड़ी से उतर के आ गया, अगर मैं नहीं आता तो शायद ये मौका मेरे हाथ से निकल जाता. तो ये एक बड़ा इंसिडेंट इम्पॉर्टेंट अच्छा हुआ मेरे लिए जिससे कि मेरा करियर शुरू हुआ. और उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, एक के ऊपर एक फिल्में मिलनी शुरू हो गई और फिर मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पंजाबी क्योंकि दिल के साफ होते हैं, जिगर बड़ा होता है, दिल वाले होते हैं, तो इसलिए भगवान भी उनका साथ देते हैं. क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हैं, सिंसियर हैं, डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं और सबसे बड़ा भगवान आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. और ये पंजाबी किसी तरह भगवान को भी फोर्स कर रखते हैं कि पाजी मेरी मदद कर ही दो, वाहेगुरु आ जाओ. सर, अक्षय कुमार को ले लो, शक्ति कपूर को ले लो, गुलशन ग्रोवर, सब दिल्ली से निकले हुए हैं. बिल्कुल. कितना अच्छा लगता है जब एक कभी जहन में आता है कि इन सबको देख के छाती चौड़ी हो जाती है. और मैंने तो खैर सबके साथ काम किया शुरू से, देव साहब, राज साहब, सबके साथ काम किया. और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पंजाबी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा नाम कमा रहे हैं, छाती चौड़ी हो जाती है फख्र के साथ. सर, अब भी आपका खुद का फ्लैट है, सब सेटल है, सब कुछ है, आपके टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी. अगर बात करें कभी, मुंबई जो है सपनों का शहर है, पेंटल एक सपना लेकर आया था मुझे हीरो बनने का, अपने बता ट्रेन से कूद गए थे, कभी आपको लगा कि मुंबई से वापस चले हार के कि जिन्होंने निकल जाते हैं, कभी ऐसा कोई वाक्य स्ट्रगल का वाक्य बताइए? एक सेकेंड के लिए नहीं आया दिमाग में, क्योंकि मुझे अपने पे और अपने भगवान पे बड़ा भरोसा था और बस उसी का नाम लेके मैं हर काम करता था. बीच में अच्छे बुरे दिन भी आए लेकिन मुझे मालूम है मेरा भगवान मेरे साथ है. और कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये सोचें कि शहर छोड़ के चले जाएंगे, ये काम छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. बॉम्बे रुलाती है, एक दो फटके देती है कि बॉम्बे जो हार गया, जो छः महीने रुक गया, कहा हुआ था कि छः महीने रुक गया, लेकिन बॉम्बे सर पे भी चढ़ाती है. आज मेरे जैसे अदना इंसान को जो सर पे चढ़ाया है, जो पूरी दुनिया का प्यार मिला है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये बम्बई की वजह से ही हुआ है और बॉम्बे मेरी जान. बहुत सही बात है, बॉम्बे इज मेरी जान. सर, आई थिंक पंपन के साथ आपने काम किया,
हाँ हाँ टुन टुन जी के साथ बहुत काम किया मैंने, शोज भी बहुत किए, एक्टिंग भी बहुत की है, और हम लोग बहुत क्लोज भी थे, बहुत प्यार करती थी मुझे। कोई ऐसा पुराना वाक्य दर्शक शेयर करेंगे सर, काफी दिनों के बाद आपका इंटरव्यू चल रहा है, कोई ऐसा वाक्य है जब? ऐसे काफी वाक्य हुए, लेकिन ये है कि उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो इतनी उम्र के बाद भी, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी काम में बिल्कुल न्यू कमर की तरह रहती थी, और जब भी शूट करती थी तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने में लगी रहती थी, और फिर उनका ये होता था कि मैं आगे बढ़ के सब कुछ कर लूँ, तो वो उनकी जो एक फाइट थी अच्छा परफॉर्मेंस करने की, वो मुझे बहुत पसंद थी, और मैं भी हमेशा उनको और उकसाता था और उनको चढ़ाता था ताकि और मस्ती करें और मज़ा लें और अच्छा काम हो। बड़ी प्यारी लेडी थी, बहुत कंसर्न दिखाती थी, प्यार करती थी, मस्ती करती थी, सारा दिन सेट पे मस्ती होती थी। आई लव्ड हर, बहुत अच्छी थी। सर आपने कॉमिक में क्यों चुना, आप हीरो बनने के लिए कभी नहीं? क्यों? क्योंकि मैं जब मैंने रग रग में बस्ती थी या कॉमेडी, कहाँ से शुरुआत की कॉमेडी, आपको लगा कि कॉमेडी में आना चाहिए? मेरा क्या हुआ, मैं जब पूना इंस्टीट्यूट में गया था तो वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे अपने बारे में बड़ी क्लैरिटी आ गई थी, सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं, मैं अपने आप को समझ गया था, और मैं ये समझ गया था कि मेरी हाइट, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी शक्ल, मेरी टाइमिंग, मेरा टैलेंट, जो कुछ भी है इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमेडी में है। और उन दिनों इंडस्ट्री में ये होता था कि अगर आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो आपको एक ढूंढना पड़ता है जॉनर, कि मैं कौन सी जगह पे फिट होता हूँ, और उसी में ट्राई करने से काम जल्दी मिलने की आशा थी। तो इसलिए मैं शुरू से ही ये डिसाइड करके आया था कि मैं जब एक्टर बनने जाऊंगा तो मुझे कॉमेडियन बनना है। तो मैंने अप्रोच भी ये किया था कि जी मैं कॉमिक रोल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे आत्मा जी के वहाँ भी कॉमिक रोल मिला, लाल पत्थर में, यार मेरा में, शुरू शुरू की सारी फिल्मों में मुझे कॉमिक रोल मिला, और फिर मेरी कॉमेडी लोगों को पसंद आनी शुरू हुई, तो फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ अच्छे रोल कॉमिक के मिलते गए। लेकिन आने से पहले मेरी क्लैरिटी बहुत सही थी कि मैं सिर्फ कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। बाद में ओम प्रकाश जी जैसे महान एक्टर जिन्होंने बाद में इमोशनल रोल्स भी किए, सब तरह के रोल किए, मैं भी उनको अपना एक आइडल बना के आगे आया था कि कॉमेडी के बाद मैं भी धीरे धीरे डिफरेंट रोल करूंगा जो मैं आज कर रहा हूँ। कॉमेडी सर आप करते नहीं थे, आपका चेहरा ही ऐसा है कि आप आंखों से भी आप चेहरा ऐसे ऐसे बना के, वो भी एक अलग तरह की कॉमेडी थी, मतलब बिना बोल के भी आप दर्शकों को हंसा रहे थे। वो इसलिए कि मैं हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट माइम आर्टिस्ट हूँ मैं, और माइम होता है मुंह का अभिनय, तो मेरा उसमें भी महारत है, तो एक माइम होने के नाते मैं उस माइम को अपने कैरेक्टर्स में ऐड करके एक नया मज़ा, एक नया फ्लेवर लेके आया था। इस फिल्म में क्या आप कॉमेडी में हैं? नहीं, बहुत सीरियस और साइकिक कैरेक्टर है जो पागलपन की हद तक है, और जो अपने बेटे को अपनी बात मनवाने के लिए इतना साइक कर देता है कि वो पागलपन की हद की जो लाइन है तकरीबन उस तक पहुंच जाता है। तो ये बड़ा ही अलग कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया, बहुत चैलेंजिंग रोल था। जैसे महाभारत में मेरा शिखंडी बड़ा चैलेंजिंग रोल था, उस तरह ये मेरी जिंदगी में एक ऐसा रोल आया है जो बड़ा अलग है, और जिसे करने में मुझे चैलेंज मिला, और मैंने शायद वो चैलेंज बखूबी किया है। अब वो देखने वाले बताएंगे कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं। 50 साल काम करने के बाद आज भी आप कह रहे हैं मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ कि नहीं, मतलब बेटे के आगे आज भी आप झुके हुए? हर बाप बेटे के सामने तो झुकता ही है, ये और कुछ रीजन नहीं है, सिर्फ एक, मतलब आप अपनी एक्टिंग पर भी सकते हैं। मुझे मालूम है पसंद आएगा लोगों को, लेकिन बेटा मेरा बड़ा अच्छा एक्टर है, एंड एज एन एक्टर अच्छा चैलेंज दिया उसने मुझे, अच्छा काउंटर दिया सामने से, और फिर एक बाप के लिए बेटे से बढ़कर कुछ नहीं होता। सर शिखंडी की पहचान आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, शिखंडी की अगर बात करें? शिखंडी की पहचान ने मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मैं लोगों के जहन में ये आया कि इसको हम कोई भी कैरेक्टर अगर देंगे तो पेंटल बखूबी कर सकता है, ये जो एक पॉइंट उन दिनों शुरू हुआ, उससे मुझे लोगों ने रिस्क लेके अलग अलग रोल देने शुरू किए। दोनों भाइयों को मैथोलॉजिकल के लिए जाना जाता है,
भांजे काफी डायलॉग काफी फेमस रहा था, तो कितना प्राउड होता जब आप सुनते हैं कहीं भी जाते हैं कि वो महाभारत वाले? बिल्कुल, मेरे लिए तो वही बात होगी कि उन्होंने नहीं मैंने किया है, और मेरी अचीवमेंट मेरे लिए नहीं उनके लिए है। तो एक भाई होने के नाते हमारे लिए तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि मेरे भाई की इतनी तारीफ हो रही है, या मेरी उनकी नज़र में मेरी तारीफ हो रही है, या हमारे बेटे की तारीफ हो रही है। तो ये तो फैमिली में है, तो ऐसा लगता नहीं है कि हम अलग हैं, हम एक हैं, और जो भी अच्छा हो रहा है वो हम सब के साथ हो रहा है। सर महाभारत जो काफ़ी हिट हुई है, महाभारत के लिए दोबारा बनाना चाहा लोगों ने, 2-3 बार बनी, लेकिन वो चीज़ें नहीं रही, बन ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त जो दिल से निकली थी बात वो दिलों तक पहुंची। जिस तरह रवि चोपड़ा साहब ने, बी आर चोपड़ा साहब ने उसको उसको जिंदा किया, राही मासूम रजा साहब ने उसको जिंदा किया, वो अब मुश्किल है। वो बिल्कुल आत्मा से निकली हुई बात है, और महाभारत दोबारा बन सकती है, मैं ये नहीं कहता नहीं बन सकती, लेकिन वो जो दिल की बात है, वो जो रूहानी बात है, वो जो आत्मिक बात है, वो नहीं आ सकती। कभी आप बैठ के देखते हैं अपने जो आपने एक्ट किया था महाभारत? हाँ बिल्कुल देखता हूँ, और अच्छा लगता है, और कई बार तो सरप्राइज होता है कि हाँ इतना अच्छा मैंने कैसे कर दिया। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो लंबा नहीं है।